दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन्स के बीच में बैटरी इन कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है Realme C3 जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही है Redmi का 8 या फिर 8A भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही फ़ोन सेम हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर को छोड़कर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की, तो सैमसंग का गैलेक्सी M10s हमारे पास अवेलेबल है और वीवो की तरफ से आता है वीवो का U10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बैटरी इन कंपैरिजन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी फ़ोन अभी स्विच ऑफ हैं। ऑन करते हैं इन सभी फोन्स को और अब आप यहां पे देख सकते हैं ये सभी फोन्स हैं अभी 100% बैटरी पर। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने इन सभी फोन्स को कनेक्ट कर लिया है वाईफाई से, जीपीएस और ब्लूटूथ को भी ऑन रखा गया है और जो ब्राइटनेस है वो मीडियम लेवल पे रखी गई है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें रियलमी C3 अभी काम कर रहा है रियलमी UI पे जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर, जबकि बाकी तीनों फोन्स में अभी हमें एंड्रॉइड 9 मीन्स पाई देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइमर को और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें कितना बैटरी बैकअप दे पाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बैटरी ड्रेन कंपैरिजन होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी M10s को छोड़कर बाकी तीनों ही फोन आते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ में, और सैमसंग M10s में हमको देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये सभी फ़ोन अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में काम करते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि बैटरी ड्रेन या फिर बैटरी कंजप्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इसके प्रोसेसर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रेडमी 8 या फिर 8A में आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट, रियलमी C3 में दिया गया है मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट। बात करते हैं वीवो U10 की, तो यहाँ पे दिया गया है स्नैपड्रैगन का 665 चिपसेट और सैमसंग M10s काम करता है एक्सिनोस के 7884B चिपसेट के साथ में। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले 2 घंटे के लिए वीडियो प्लेबैक स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कि 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पर क्या बैटरी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि 80% पे है Redmi 8, Realme C3 है 89% पे, 86% पे है Vivo का U10 और Samsung M10s है 85% पे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है Redmi 8 का, जहां पर आपको मिलता है Snapdragon 439 चिपसेट। चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सट्रीम गेमिंग अल्फाट 9 के साथ में करीब 1 से 1.5 घंटे तक, और देखते हैं कि उसके बाद हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों फोन्स को यूज़ करते हुए 3 घंटे और 30 मिनट हो चुके हैं, जहां पे हमने लगभग 1.5 घंटे का एक्सट्रीम गेमिंग भी किया अल्फाट 9 के साथ में। तो यहां पर आप देख सकते हैं 59% पे है Redmi 8, Realme C3 है 73% पे, Vivo का U10 आपको देखने मिलता है 64% पे और Samsung M10s है 63% पे। चलिए अब यहां पर हम करने वाले हैं करीब 1 घंटे तक कैमरा रिकॉर्डिंग को ऑन और फिर देखते हैं कि हमें यहां पर क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों 4 घंटे और 30 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 52% पे है M10s, U10 है 55% पे, 65% पे है Realme C3 और 46% पे आ चुका है Redmi 8। चलिए अब हम करने वाले हैं YouTube को प्ले कुछ 1.5 घंटे के लिए, जहाँ पे 45 मिनट हम प्ले करेंगे म्यूजिक और बाकी के 45 मिनट वीडियो प्लेबैक करने वाले हैं YouTube के थ्रू। और दोस्तों 6 घंटे के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि 34% पे आ चुका है Redmi 8, Realme C3 आया है 54% पे, 42% पे आ गया है Vivo का U10 और M10s आ चुका है 36% पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैटरी हमको देखने को मिल रहा है Realme C3 का, और मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट जाना चाहिए MediaTek के हीलियो G70 चिपसेट पर, जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज चिपसेट है गेमिंग के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है और ऐसे ही कुछ रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
और दोस्तों 7 घंटे के बाद 10% पे आ चुका है रेडमी 8, 36% पे है रियलमी सी 3, 26% पे है वीवो का यू 10 और 16% पे है सैमसंग का गैलेक्सी एम 10s। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडमी 8 है ये सैमसंग के एम 10s से भी पीछे है। और दोस्तों इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि स्नैपड्रैगन 439 बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है बैटरी के लिए। चलिए देखते हैं कि कितना टाइम हमें और देखने को मिलता है रेडमी 8 का। दोस्तों 7 घंटे और 31 मिनट के बाद फुली डिस्चार्ज हो चुका है रेडमी 8, जहां पर हमको मिलता है 5000 mAh का बैटरी। तो दोस्तों ये तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था कि 5000 mAh की बैटरी के बाद भी यहां पर हमें बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिला है। चलिए देखते हैं कि बाकी फोन्स का हमें क्या टाइम देखने को मिलता है। दोस्तों 8 घंटे के बाद हमको देखने को मिल रहा है 27% पे है रियलमी सी 3, 17% पे है वीवो का यू 10 और एम 10s है 4% पर। और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं 1 घंटे के लिए पबजी गेम प्ले। और दोस्तों 8 घंटे और 19 मिनट के बाद फुली डिस्चार्ज हो चुका है सैमसंग का गैलेक्सी एम 10s। अब यहाँ पे जो बैटरी था वो 4000 mAh का था, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले की वजह से यहाँ पर हमें अच्छा स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है। और दोस्तों 9 घंटे के बाद हमको देखने को मिला कि 13% पे है रियलमी सी 3 और 5% पे है वीवो का यू 10। और दोस्तों वीवो यू 10 को कम्प्लीट डिस्चार्ज होने में टाइम लगा है 9 घंटे और 26 मिनट का, जहां पर आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी। अब देखना यह होगा कि रियलमी सी 3 का टाइम हमें क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों 9 घंटे और 54 मिनट लगे हैं रियलमी सी 3 को 100 से 0% आने के लिए। यहाँ पर भी आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी, तो यहाँ पर हमें काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका रीजन होना चाहिए मीडियाटेक का हेलियो G70 चिपसेट, जो कि काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है बैटरी और गेमिंग के लिए, या फिर आप रियलमी UI को भी इसका क्रेडिट दे सकते हैं जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पर। तो दोस्तों 4th नंबर पर है रेडमी 8, जहां पे हमें स्क्रीन टाइम देखने को मिला था 7 घंटे और 31 मिनट का। 3rd पोजीशन पे हमारे सामने आया है सैमसंग एम 10s, जहां पे हमें स्क्रीन टाइम देखने को मिला था 8 घंटे और 19 मिनट का। 2nd नंबर पे है वीवो का यू 10, जहां पे हमें स्क्रीन टाइम देखने को मिला था 9 घंटे और 26 मिनट का। और दोस्तों विनर होता है रियलमी सी 3, जहां पे हमें देखने को मिला है 9 घंटे और 54 मिनट का स्क्रीन टाइम, मतलब लगभग 10 घंटे का स्क्रीन टाइम हमको यहां पे देखने को मिलता है रियलमी सी 3 का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।